अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको स्टार क्लिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे ये नंबर वन एडवर्टाइजिंग वेबसाइट अर्निंग वाली, तो क्या हिसाब किताब है इसका। तो ख़ास तौर पर जो लोग इसकी मेम्बरशिप लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जाते हैं। सबसे पहले स्टार क्लिक से ओपन कर लेता हूँ। ये स्टार क्लिक से ओपन हो रही है, मैं अकाउंट लगा के देता हूँ आपको। अकाउंट लग चुका है, मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया, ये साइन इन हो रहा है। तो इस वक्त मेरे अकाउंट में 29.89 डॉलर मौजूद है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेन चीज़, मतलब इसकी टोटल क्या हिसाब किताब है इसका। तो इसमें अगर आपके पास कोई ये दोबारा साइन इन मांग रहा है, मैं अगर साइन इन करता हूँ, मैं डेस्कटॉप साइट पे गया था ना, इसलिए दोबारा साइन इन मांग रहा था। तो अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें दरअसल एड्स मिलती हैं आपको। अभी आपके पास सिल्वर मेंबरशिप है, कोई मेंबरशिप नहीं है इसके लिए, तो एड्स मिलती हैं आपको। ये जिस तरह भी 3 आई हुई हैं, आज के दिन मुझे 5 मिली है बस, क्योंकि मैंने मेंबरशिप कोई खरीदी नहीं। तो इसी तरह 5 नीचे, मतलब मैंने 2 देख ली इसलिए 3 रह गई। इस पर सिंपली आपने क्लिक करना होता है, ये दूसरी वेबसाइट में खुल जाता है। जैसे ये खुल जाता है वापस चल जाए, ये आपका अकाउंट हो जाता है और आपको 1 सेंट 0.01 डॉलर मिल जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन कभी 10 ऐड आ जाती हैं, कभी 8 ऐड आ जाती हैं अगर आपने मेंबरशिप बाय नहीं की, परचेज नहीं की। तो अब चलते हैं इसकी मेंबरशिप की तरफ, उसका क्या हिसाब किताब है। तो मेंबरशिप पे ना इसका ज़्यादातर रेफरल प्रोग्राम चलता है, मतलब अगर मैंने आपको इनवाइट किया ना, तो आप मेरे कहने पे अकाउंट बनाएंगे तो मुझे 0.08 डॉलर, मतलब 8 सेंट मिलेंगे। मतलब कि तकरीबन अगर 20-22 बंदे मेरे अकाउंट मेरे रेफरल से तकरीबन 12-13 बंदे बना लेंगे ना, तो मेरा 1 डॉलर बन जाएगा। तो इसकी मेंबरशिप ये इस तरह तो बहुत कम अर्निंग हो जाती है, महीने में जाके आपके 2-2.5 डॉलर बनते हैं फ्री वाले। तो लोग प्रेफर करते हैं मेंबरशिप लेने को। अब मैं आपको मेंबरशिप का बताता हूँ, अपग्रेड पे जाते हैं। इसमें 2 मेंबरशिप होती हैं, 3 होती हैं सॉरी, सिल्वर है तो जो हमारे पास है जिसमें पैसे नहीं लगते, दूसरी गोल्ड और प्लाटिनम। गोल्ड है आपकी 30 डॉलर की और प्लाटिनम है आपकी ऑलमोस्ट 69.99 डॉलर की है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो एड्स जिस तरह 5, 6 या 8, 9, 10 आती है ना, इस तरह आपके लिए ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसे इनका कहना है कि ये 5 डॉलर अगर आप गोल्ड से मेंबरशिप खरीदेंगे तो आपकी अर्निंग 5 डॉलर तक हो सकती है, और अगर आप प्लाटिनम खरीदेंगे तो एस्टिमेट 6 डॉलर, यानी गोल्ड की सॉरी 3 डॉलर अब इन्होंने कर दिया और प्लाटिनम की 6 कर दिया एस्टिमेट अर्निंग, मतलब इतने आप कमा सकते हैं। तो अगर आप अगर वाकई में इतने बनते हो फिर तो बहुत अच्छी अर्निंग है, मतलब कि महीने ये मेंबरशिप महाना होती है, महाना आप 3 के हिसाब से 90 डॉलर कमा सकते हैं। 90 में से 30 मेंबरशिप में भी निकल जाए तो 60 आपके पास आ सकते हैं, तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग। तो अब मैं बताता हूँ असल चीज़ है, जो असल हकीकत है इसकी, वो ये है कि मेंबरशिप जब आप ले लेते हैं ना, तो मैंने खुद ली हुई है इसलिए मेरे पास डॉलर बने हैं। मेरे पास अकाउंट में आपको बैलेंस जिस तरह पहले भी दिखाया, मेरे पास इस वक्त 29.90 डॉलर मेरे पास मौजूद है। तो यही बात है कि मैंने खुद मेंबरशिप ली हुई है इसलिए मुझे इसके बारे में सारा पता है। तो मैं अब आपको असल हकीकत बताता हूँ जो असल है। तो वो असल बात ये है कि मुझे था ये पहले, तो इन्होंने इस वक्त एस्टिमेट अर्निंग 3 डॉलर की है, तब 5 डॉलर की थी जब मैंने ली थी आज से 2 माह तकरीबन पहले, और प्लाटिनम पे 8 डॉलर एस्टिमेट अर्निंग कह रहे थे। तो मेरा था कि अब 10 एड्स मिलती हैं तब 300 एड मिल जाएंगी, मतलब 300 अगर एड्स पे क्लिक करें तो हमारे 3 डॉलर बनते हैं ना। तो ये हिसाब होगा, ऐड पे क्लिक करना होगा या इसी तरह ये बन जाएंगे, या चलो 200 एड मिल जाएगी, 3 नहीं तो 2.5-2 डॉलर बन जाएंगे। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, मैं कोई धोखा शोखा ना निकल जाए, हर जगह पॉजिटिव रेटिंग थी, सही था, सारे कह रहे थे लेजिट भी है। तो
वो यूट्यूब वाले भी सारे कह रहे थे नहीं आप लें बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह मैंने फिर कॉइन बेस में अर्निंग मैंने तब करवाई थी। तब अब ये $30 की है, तब मेंबरशिप $20 की थी, ये गोल्ड वाली $20 की थी। तो अब मैं तकरीबन मैंने 3200 रुपया जमा करवाया था, तो मैंने फिर मेंबरशिप ली। तो जब मैंने मेंबरशिप ली तो इन्होंने मेरी ऐड की अमाउंट 10 से इंक्रीज करके 72, 80, 90, 72 किसी दिन आ जाती थी, किसी दिन 80, किसी दिन 102 भी आई है एक दो दिन, तो इतनी आ गई। तो इससे ज़्यादा आती ही नहीं थी। तो ये इसी तरह अगर $1 दिन का बने तो ये तो वही हिसाब बनता है, महीने के $30 और $30 की मेंबरशिप है, तो आपको जीरो प्रॉफिट हो जाती है, नो प्रॉफिट नो लॉस उनका, बस काम करो वो भी बगैर किसी कीमत पे। तो अपनी जगह वो सच्ची है कि आपको एड्स वो इतनी देंगे, लेकिन बाकी कहते हैं कि अर्निंग अगर आपने करनी है तो जो बाकी $1 की अर्निंग आपकी मिसाल के तौर पर ऐड से होगी ना, बाकी अगर $2 की रहेगी ना वो आपको मिलेगी HTML कोड। और ये एक इनका बहुत बड़ा फ्रॉड किस्म का कह लें कि फ्रॉड है बहुत बड़ा ये HTML कोड। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेहतर है जो मतलब जिनके ब्लॉग्स हैं, अच्छी वेबसाइट है, जिनकी बहुत ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, दिन में दो दो तीन तीन 3000 क्लिक्स आते हैं इनकी वेबसाइट पे, वो है। तो ये HTML कोड दरअसल ये है कि अब आपने इसका कोड होता है वो ब्लॉग पे अपनी मतलब अपनी वेबसाइट आपकी जो बनी हुई है उसमें डालना होता है। तो जो भी आपकी वेबसाइट से कोई बंदा आके उस जो आपने लिंक दिया उस पे, दरअसल ये जो कोड होता है इसमें लिंक्स के कोड होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से कोई शूज़ सेलिंग वेबसाइट है उसकी ऐड है, तो अगर आप वेबसाइट पे इनका HTML कोड डालेंगे, जो भी अगर कोई दूसरा बंदा आपकी वेबसाइट ओपन करेगा उस ऐड पे क्लिक करके वो उस वेबसाइट पे जाएगा, तो उसका आपको 1 सेंट मिलेगा जो आपको स्टार क्लिक्स देगी। तो अगर इसी तरह आपकी वेबसाइट से जाके 200 बंदा ऐड पे क्लिक करेगा तब आपको $2 मिलेगा। तो हमारे तो यहाँ पे अक्सर बंदों के पास वेबसाइट ही नहीं बनी हुई है। मैंने अपना ब्लॉग बनाया था लेकिन मेरा तो इतना मतलब कि ज़्यादा क्लिक्स नहीं थे मिलते यार, दिन में बड़ी हद 5-10 मिल जाएंगे। और अगर वेब ब्लॉग पे क्लिक भी मिल भी जाए तो उसके अंदर से 0.0001% बंदा होता है जो ऐड पे क्लिक कर ले, वरना कोई ऐड पे क्लिक करता ही नहीं। हम खुद इसी तरह करते हैं, हम कुछ किसी आप खुद बताएं किसी वेबसाइट पे जाते हैं draaz.com होगी, तो कोई ऐड पे क्लिक करता है, कोई भी नहीं करता। तो ये एक कह लो कि जिस तरह छुपा रुस्तम नहीं होता है, ये वो वाला साहब है, दिखाना कुछ और करना कुछ और। तो फिर मैंने ये जब किया तो मुझे $20 में मिली थी, तब तब अगर $20 में मिले और $30 आए तब तो ठीक था, लेकिन $20 मैंने ली थी तो मुझे अर्निंग हुई $30, तो तब भी मतलब $2829 हुई थी। तो जब मैंने विदड्रा के लिए किया तो वो कह रहे थे कम से कम आपके पास $50 होना चाहिए विदड्रा के लिए। तो अब मैं ना आगे मतलब ना आगे जा सकता था ना पीछे जा सकता था, 30 मैं निकलवा नहीं सकता। मैंने एक और मेंबरशिप ली $30 की, मैं कहा शायद कोई और तरीका हो, तब फिर $30 की मैंने मेंबरशिप कर दी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, $29 बने थे मेरे। तो अभी आपके सामने ये $29 है मेरे पास, तो अगर मैं अब निकलवाऊंगा तो अब मुझे अपनी जेब से पैसे खर्चने पड़ेंगे फिर से दोबारा से, अब तो $30 हो गया, फिर से 4500-4600 लगाना पड़ेगा, तो फिर ये मेरे $50 हैं जो निकल सकते हैं। तो ये है, तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि वेबसाइट से आप इसकी 10 एड्स बिना रोज की देखा करें, 10 भी कहाँ, कभी 5 देते हैं कभी 6 देते हैं, जो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो बहुत मतलब कि जिनकी वेबसाइट ब्लॉग अच्छे चलते हैं उनमें से भी शायद कोई क्लिक कर देता हो। तो बाकी रही बाद में मुझे गुस्सा वैसे बहुत आया था यूट्यूबर पे, किसी यूट्यूबर ने नहीं था बताया कि आम बंदा मेंबरशिप ना ले तो उसे ये HTML कोड का करना पड़ेगा। सारे सिर्फ अपने रेफरल के पीछे पड़े हैं, सबको ये कि नीचे जो हमने रेफरल लिंक दिया ना उस रेफरल से अकाउंट बनाए। मेंबरशिप अगर हमने $30 के लिए ना, जिसके रेफरल से आपने बनाया ना अपना अकाउंट, उसे भी $5 मिलते हैं। सबको ये है कि हमारे पास पैसे आए बस, अगला बंदा चाहे खूह खाते में जाए उसके पैसे बर्बाद हों, बस हमारे पैसे आए। तो ये हिसाब है सारा, तो एक हिसाब का बहुत बड़ा फ्रॉड भी कह सकते हैं आप इसे, मेहनत कराते हैं बस खाली, तो अर्निंग वर्निंग इसकी कोई नहीं है। तो बाकी बच के रहें इससे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।